अलीगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। रिश्वत दहेज प्रताड़ना के एक मामले में गिरफ्तार नहीं करने के बदले ली गई थी। इस रिश्वत कांड में थाना प्रभारी भी बराबर का हिस्सेदार था। उस भांडाफोड़ के बाद थाना प्रभारी फरार है। अकोला के दधम गांव में जमीन विवाद में उप सरपंच ने महिला और उसके बेटे की बुरी तरह पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो को देखकर पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई में अवैध नकली शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। शराब तस्करों के पास से एक लाल रंग की स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ग्रामीण इलाकों में नकली शराब खपाते थे। पंजाब के फजिलका जिले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 25,000 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट से उनकी रिमांड की मांग की है। पुलिस को शक है कि दोनों आरोपियों का इलाके में पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। गोलीबारी में एक नक्सल की मौत हुई है। पुलिस ने हथियार बरामद किया है। पुलिस को शक है कि इस इलाके में और भी नक्सली मौजूद हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा से सटे हुए गांव में तेंदुए की दहशत से लोग परेशान हैं। खेत में काम कर रहे मजदूरों पर अचानक तेंदुए ने हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया। तेंदुए के हमले के वक्त खेत में 200 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। सूचना मिलने पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तेंदुए को पकड़ने की सभी कोशिशें बेकार गई। वन विभाग को शक है कि तेंदुआ खेतों में ही कहीं छिपा है। सूरत के मांडवी तहसील की एक कुएं में तेंदुआ गिर गया। तेंदुए के कुएं में गिरने की जानकारी होने पर गांव वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने एक नर्सिंग होम पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान नर्सिंग होम का पंजीकरण और डॉक्टर की डिग्री सही नहीं मिली। इसके बाद अफसरों ने निजी अस्पताल को सील कर दिया और एक जांच कमेटी का गठन कर दिया कि आखिर कैसे चल रहा था अस्पताल बिना किसी कागजात के।